और जैसा मैंने कहा ना कि श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी, एक देश का प्रधानमंत्री जब कुछ बोल देता है तो उस वाणी की, उसके एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। लोग उसको बड़े सम्मान और बड़े आदर से मानते हैं, और ना भी माने, श्रद्धा से ना माने तो जबरन मानना पड़ता है। अब जैसे कोरोना संकट में कुछ नियम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने निकाले, अब आप श्रद्धा से मान लो तो अच्छी बात है, और नहीं मानोगे तो फिर सरकार डंडे मार मार के मनवाएगी। मास्क पहनना जरूरी है, घर से बाहर जाओ मास्क पहनो। अभी तो लॉकडाउन खुल गया, लेकिन जब कोरोना आरंभ हुआ था लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक वो निकाला कि फलाने दिन फलाने समय सब घर से बाहर निकल के छतों पर क्या बजाएंगे, थाली बजाएंगे। तो अब सब लोगों ने आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक देश का मुख्य व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में देश चल रहा है। भले वो किसी दूसरी पार्टी का आदमी हो, भले वो ना भी मानता, उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बात ना भी अच्छी लगती हो, लेकिन उस दिन सबने किया, क्योंकि वाणी का एक वजन होता है, किसके द्वारा कही गई। अब आप सोचिए, जो एक देश का राजा है उसकी वाणी को लोग मानते हैं और उसमें इतनी ताकत है, तो जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है उसकी वाणी में कितनी शक्ति होगी। और वही शक्ति भगवत गीता के रूप में प्रकट हुई। वो कृष्ण की वाणी कोई खेल नहीं है, भगवत गीता कोई मजाक नहीं है, कृष्ण के मुख से प्रगटी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की भूमि है, चारों तरफ योद्धा खड़े हैं। योद्धा भी कौन, एक से बढ़कर एक, जिनके नाम से ही पृथ्वी कांपने लगे, दादा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पांडव। पूछ रहा है धृतराष्ट्र, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, और संजय सुना रहा है। कहते हैं इस दुनिया का सबसे पहला कोई कमेंटेटर हुआ तो वो संजय हुआ, जो कमेंट्री कर रहा है बैठ के, सब कुछ देख रहा है और धृतराष्ट्र को सुनाते जा रहा है क्या हो रहा है। अब धृतराष्ट्र बार बार पूछता है और संजय सुना रहा है। बोले महाराज, अभी अर्जुन खड़ा तो है पर कुछ डरा डरा सा लग रहा है, कांप रहा है, अर्जुन के पसीने छूट रहे। अर्जुन जैसा योद्धा जिसके पास गांडीव है, लेकिन आज बीच युद्ध भूमि में जब धनुष उठाने की बारी थी तो हाथ लड़खड़ाने लगे। हे केशव, ये कहां ले आए हो आप मुझे, इस कहां पारिवारिक युद्ध में आपने मुझे फंसा दिया है। मैं नहीं चाहता था ये युद्ध हो, और मैं आज भी नहीं चाहता ये युद्ध हो, क्योंकि प्रभु मेरे सामने जब मैं आंख खोल के देखता हूं तो मेरी आंखें शर्म से झुक जाती है कि तू चंद राज्य के टुकड़े के लिए किन से लड़ रहा है, अपने गुरु से। द्रोणाचार्य खड़े हैं, अपने बड़े भाइयों से। प्रभु जाने दो ना, क्या लेना देना मुझे राज्य का, दे दो इनको वापस, मुझे नहीं चाहिए, चलो रथ घुमाओ, घर वापस चलते। थक गया है अर्जुन, बिल्कुल निराश। अब ध्यान से सुनिए, भगवत गीता क्या है। भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है। आज के जमाने में जो नौजवान होते हैं ना, उनके लिए बड़े सारे मोटिवेशनल सेशन रखे जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो, डिप्रेशन से बाहर निकले, स्ट्रेस से बाहर आए। भगवत गीता से बड़ा और श्री कृष्ण से बड़ा इस दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। ऐसी अद्भुत वाणी। पहला ही शब्द क्या उपयोग किया, क्लेब्यम। क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहा है अर्जुन। तो क्षत्रिय होकर के, क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना, और तू
घबरा रहा है, कांप रहा है, वापस मुड़ रहा है। चल उठा धनुष। ये युद्ध धर्म का युद्ध है, ये युद्ध न्याय का युद्ध है। बात ये नहीं है कि राज्य का टुकड़ा कितना है, बात यह है कि तुझे न्याय के लिए लड़ना है, तुझे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी। और फिर ऐसी वाणी निकली है श्री कृष्ण के मुख से, भगवद गीता के 18 अध्याय, एक एक रत्न है ये भारतीयों के पास भगवद गीता, एक एक शब्द श्री कृष्ण का। उस समय जब अर्जुन हार गया, थक गया, तो कृष्ण ने सहयोग किया। आज के युग में हमारे जीवन में भी होता है, कभी धंधे में लॉस हो गया, हार गए, कभी परिवार से हार गए, कभी बच्चों से हार गए, कभी रिश्तों से हार गए। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय अर्जुन को कृष्ण काम आया था, और आज के समय हमारे लिए कृष्ण की वाणी काम आएगी, भगवद गीता काम आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है आज भगवद गीता के इस जयंती के उपलक्ष्य में आप सबसे मेरा निवेदन है। अच्छा, कितने लोग यहां हैं जिन्होंने भगवद गीता पढ़ रखी है, पाठ कर रखा है? मतलब अभी बहुतों को पढ़ना बाकी है। हम अपने आप को हिंदू कहते सनातनी, और सनातनियों का मूल ग्रंथ ही भगवद गीता है। अगर पूरे वर्ल्ड में भी आप किसी से पूछोगे, मुस्लिमों का ग्रंथ कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, क्रिश्चनों का बाइबल, और जब हिंदुओं की बात आएगी तो कहेंगे गीता। कोर्ट में कहते हैं ना, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। अब वो बात अलग है, कलयुग है तो भले कसम खा लेते फिर भी खूब झूठ बोलते हैं। पर पहले ये आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की गीता में श्रद्धा थी, और पता था कि किसी किताब पर हाथ नहीं रख रहे, हम साक्षात भगवान की वाणी पर हाथ रख रहे हैं, इसलिए झूठ बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर ऐसा ना हो कि गीता केवल कोर्ट में ही रखी रह जाए, उसको कोर्ट से निकाल करके अपने हार्ट में, अपने हृदय में हमें स्थापित करना। तो इसलिए मेरा निवेदन है ये आपसे, भले एक श्लोक, भले श्लोकार्धम, भले श्लोक पादम आधा पढ़ो, एक चौथाई पढ़ो, पर भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो आपके आगे आने वाले बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और फिर अपने धर्म को समझेंगे कैसे? अपने धर्म को जानने के लिए तो श्री कृष्ण की वाणी को जानना पड़ेगा। तो भले थोड़ा करें, जितना समय है उतना कर लीजिए। अरे मैं तो कहूं, कई घर तो ऐसे भी होते हैं हिंदू होकर के उनके घर में गीता मिलती नहीं है, भगवद गीता नहीं होती घर में। भगवद गीता रखिए, क्या पता आपका कोई बालक उसे देखे और देख करके पढ़ के एक दिन मन हो जाए कि चलो पढ़ लेता हूं, एक खोले और बस खोलते ही जीवन बदल जाए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? इसका साक्षात उदाहरण है, वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर है जो हर जगह होता ही है, पर वृंदावन में विशेषकर वहाँ बहुत सारे वैष्णव रहते हैं। तो वहाँ पर एक वैष्णव है, फॉरनर है, अंग्रेज है, उनका पहले का जो नाम था वो जॉन था, पेरिस में रहते थे। तो वो अपनी कथा बताते हैं कि मैं पेरिस में रहा करता था, मेरी किसी महिला मित्र से फेसबुक के माध्यम से बातें शुरू हो गई, और फिर एक दिन निश्चित हुआ कि वो मुझसे मिलने आएगी। तो पेरिस का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उस पर ये निर्धारित हुआ कि वो आएगी और मैं उसे वहाँ रिसीव करूँगा, उसका स्वागत करूँगा। मैं पहुँच गया। अब जैसे मैं स्टेशन पे पहुँचा तो एक आदमी था
वो अपने हाथ में अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखी हुई भगवद गीता बेक रहा था जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखी है। तो बेक रहा था, मुझसे भी बोला साहब आप भी ले लीजिए। तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इतने में अनाउंसमेंट हुई कि जो ट्रेन है वो थोड़ी सी जो समय पर टाइम पर आनी थी वो थोड़ा लेट आने वाली। वैसे विदेशों में ऐसा होता नहीं है, ये तो भारत में ही होता है कि अनाउंसमेंट होती है 9 बजे आने वाली ट्रेन अब 12 बजे आएगी। पर उस दिन उसका जीवन बदलना था, बहाना चाहिए था, ट्रेन लेट हो गई। अब 2 घंटे ट्रेन लेट हुई, अब बैठे बैठे स्टेशन पे क्या करें। तो उसने सोचा चल खरीद ही लेता हूँ, पढ़ ही लेता हूँ इसको। तो उसने कहा कि भैया एक दे दीजिए। उसने कुछ एक यूरो दे करके खरीद ली भगवद गीता और बैठ करके वहाँ पढ़ने लगा। उसने एक पेज पढ़ा, दो पढ़ा, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और रुका ही नहीं। पढ़ते पढ़ते कब ट्रेन आ गई और कब उसकी महिला मित्र उतर के आ गई उसे कुछ नहीं पता, वो पढ़ने में ही लगा। वो महिला मित्र आई और उसने आकर के पूछा कि एक्सक्यूज मी आर यू जॉन, नाम पूछा उसका, क्या आप जॉन हो? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि सॉरी जॉन हैज डाइड जस्ट 10 मिनट बिफोर। जो जॉन आज अभी से 10 मिनट पहले था वो मर चुका है और अब जो यहां आपके सामने बैठा है ये कृष्ण भक्त बैठा है। पेरिस स्टेशन से घर आया, थैला वैला बांधा, टिकट कराई और सीधा वृंदावन। और उस दिन के बाद ब्रज में आकर के वृंदावन में आके वास कर लिया। यह अभी का उदाहरण है, कोई पुरानी घटना नहीं है, अभी का उदाहरण। और वृंदावन में रह के भजन करता, एक एक घंटे की भगवद गीता पढ़ने से उसका पूरा जीवन बदल गया। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आप घर में भगवद गीता रखेंगे, उसका पाठ करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है जीवन में।